हेलो मेरे व्यूअर्स, वेलकम टू द्रिजास केक्स एंड कुकिंग क्लासेस। सो आज की हमारी नई डिश है सैंडविच, जो कि हम बनाने जा रहे हैं विथ नटेला स्प्रेड। नटेला सैंडविच आज हम बनाएंगे। सो उसके लिए ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है नटेला, जो कि हमें लगेगा 2 टेबलस्पून। सो यहाँ पे पहले 2 ब्रेड स्लाइस ली है, उसके ऊपर हमें स्प्रेड करना है नटेला। नटेला अगर आपका ठीक होगा तो उसे 10 सेकंड माइक्रोवेव कर लीजिए, ताकि वो थोड़ा सा मेल्टेड, मतलब थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो स्प्रेड करने में वो इजी स्प्रेड होगा। सो आप देख सकते हो, एक स्लाइस को मैंने नटेला स्प्रेड कर लिया है, अभी मैं सेकेंड स्लाइस कर रही हूँ। सो यहाँ पे दोनों ब्रेड हमारे रेडी है, अभी करते हैं इसे तावे पे रोस्ट। गरम तावे पे हमें उसे रोस्ट करना है। सो रोस्ट करते टाइम आप एक तो उसे बटर के साथ कर सकते हो या फिर घी के साथ, बट पे घी के साथ इसे रोस्ट कर रही हूँ आज। सो जैसे आप गरम तावे पे रखते हो तो नीचे से थोड़ा क्रंचीनेस मिलता है ब्रेड को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे घी मैंने स्प्रेड किया है, घी का एक अच्छा सा, मतलब उसे स्वाद भी आता है। सो यहाँ पे अब हमें कवर करना है ये ब्रेड को दूसरे प्लेन ब्रेड के साथ। सो दूसरी स्लाइस मैंने ऊपर रख दी है और उसे दूसरे साइड से भी अच्छे से घी के साथ रोस्ट कर लेते हैं। सो लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है, ताकि थोड़ा क्रंचीनेस उसे मिलेगा। बच्चों की बहुत फेवरेट डिश है ये नटेला सैंडविच, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। सो जरूर ट्राई करिए रेसिपी को। सो चलिए अब मैं प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। ये है हमारा रेडी सैंडविच, इसे हम कर लेते हैं कट, और बीच में कैसे दिखता है वो भी एक व्यू में आपको दिखाऊंगी अब। सो देखिए, इसे मैं कट कर रही हूँ। देखिए, एकदम टेम्पटिंग लगता है, जरूर रेसिपी को ट्राई करिए। और चॉकलेट होने के कारण बच्चों की तो स्पेशल डिश होती है ये। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, द्रिजास केक्स एंड कुकिंग क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।